एकनिष्ठ रहते हैं और कदम कदम पर हमें सहायता मिलती है। ये सब लोगों ने ध्यान में रखना है और वही बातें अपने घर में बच्चों को भी सिखाओ, बच्चों को अंदर भी वही डालो, वो बचपन से ही आप उनको ऐसी लीलाएं सुनाओ जिससे वो धर्म में दृढ़ हो जाए और आपको परमेश्वर का कृपा प्रसाद आपके ऊपर चलता। एक ढोकी कृपा हो चुके हैं, उन्होंने सुंदर एक स्तवन बनाया कि जो हर वक्त भगवान श्री कृष्ण का ही जाप करता रहता है, प्रभु का कृपा रूप मेघ मतलब बरसात उसके ऊपर अपने आप होती रहती है। जो बच्चा हर वक्त मम्मी मम्मी करता है वो बच्चा मम्मी के पास ही रहता है, मम्मी ना दिखे तो वो रोता है, मम्मी उसको अपने पास ही रखती है, मेरे बिना नहीं रह सकता। वैसे ही एक निष्ठ भक्त जो है वो परमेश्वर का ही हर वक्त अगर ध्यान करता है, उसकी भक्ति करता है, तो परमेश्वर की कृपा भी उसके ऊपर अपने आप होती है, उसके कर्म नाश होते रहते हैं, वो योग्य होता रहता है, परमेश्वर का कृपा प्रसाद बना रहता है। ये सबके लिए ध्यान रखने वाली बात है। लड़के हों या लड़कियां, सब लोग बाहर भी जाते हैं, स्कूलों से भी जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, वहां पर भी जाकर कभी देवी देवता के मंदिरों में ले जाते हैं आपको देखने के लिए, तो आप लोग भी उस देवता की मूर्ति की तरफ ध्यान न देते हुए आंखें बंद करके अपने भगवान को नमस्कार करें, इसमें हमें दोष नहीं लगता। ऐसा ही ध्यान में रखना। श्री चक्रधर भगवान की जय।